बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सफर में बहुत ज्यादा उल्टी चक्कर लगते हैं, या फिर वो पूरे सफर में उल्टी करते हुए जाते नहीं, जिसके कारण उनका सफर सुहाना होने के बजाय डरावना हो जाता है। कई लोग तो बिल्कुल बेसुध हो जाते हैं, जिसके कारण वो सफर करने से डरने लगते हैं और कहीं भी आने जाने से जी चुराने लगते हैं। इस प्रकार की समस्या को मोशन सिकनेस या ट्रेवल सिकनेस कहा जाता है। इसमें व्यक्ति को सफर करते वक्त इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा औरतों के साथ या लड़कियों के साथ अक्सर होता है। एक तो वो पहले ही मन में धारण कर लेती हैं कि उन्हें समस्या होगी ही, और दूसरे वो अधिकतर विंडो वाली सीट लेती हैं और बाहर देखती रहती है, जिस कारण उन्हें वॉमिटिंग होती है। बाहर देखने के कारण भी उन्हें उल्टी होती है, इसीलिए वो पूरे सफर में परेशान रहती हैं। सफर में उल्टी से बचने के उपाय। लौंग का इस्तेमाल। लौंग के इस्तेमाल से आप उल्टी से निजात पा सकते हैं। 5 दाने लौंग, लगभग 25 ग्राम खील, 5 छोटी इलायची और 25 ग्राम मिश्री को 1/2 लीटर पानी के साथ बनाएं, और जब यह 10 सेकंड 12 बार उबल जाए जो इसे उतारकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोगी को पिलाएं। इससे उल्टी बंद हो जाती है। अगर जी मिचलाता हो तो लौंग को मुंह में रखकर चूसते रहने से मिचली दूर होती है। नींबू। आप आराम से कहीं भी लेकर जा सकते हैं। वॉमिटिंग से पीड़ित रोगी को 250 मिलीलीटर शरबत में 1 नींबू निचोड़कर 2-3 बार पीने से वॉमिटिंग बंद हो जाती है। नींबू को काटकर इसमें इलायची का चूर्ण भरकर चूसने से वॉमिटिंग में आराम मिलता है। वॉमिटिंग होने पर नींबू को गर्म करके सेवन नहीं करना चाहिए। इमली। इमली को रात में पानी में डालकर रख दे और सुबह इमली को उसी पानी में मसल कर थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाएं। इससे वॉमिटिंग आनी बंद हो जाती है। मली को छिलके सहित जलाने के बाद राख को 10 ग्राम की मात्रा में पीसकर 15 मिलीलीटर पानी में डालकर पिलाएं। इससे वॉमिटिंग तुरंत बंद हो जाती है। पकी हुई इमली को पानी में भिगोकर इसके रस को पीने से वॉमिटिंग के रोग में लाभ मिलता है। सुपारी। आप सफर में चाहे तो सुपारी आराम से लेकर जा सकते हैं। सुपारी और हल्दी को बराबर मात्रा में पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें। यह 2 ग्राम चूर्ण पानी के साथ लेने से वॉमिटिंग बंद हो जाती है। सुपारी और हल्दी के चूर्ण को चीनी के साथ मिलाकर फांकी लेनी चाहिए। इससे वॉमिटिंग बंद हो जाती है। जायफल। कई बार कब्ज होने के कारण भी उल्टी होने लगती है। कब्ज या अपच के कारण यदि वॉमिटिंग आती हो तो 10 ग्राम जायफल के चूर्ण को 1 किलो पानी में उबालकर थोड़ा थोड़ा पानी रोगी को पिलाएं। यह वॉमिटिंग व कब्ज को दूर करता है। वॉमिटिंग के रोग से पीड़ित रोगी को जायफल को पानी के साथ पीसकर पिलाना चाहिए। नमक। नमक के सेवन से भी आप उल्टी को रोक सकते हैं। काली मिर्च पीसकर नमक के साथ सेवन करने से उल्टी बंद हो जाती है। गर्म पानी में नमक मिलाकर पीने से उल्टी रुक जाती है। हींग। हींग पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके लिए आप इसका इस्तेमाल आप इन नुस्खों से कर सकते हैं। इसके अलावा हींग को पानी में पीसकर पेट पर लेप करने से पेट का गैस नष्ट होता है और उल्टी बंद होती है। 3 ग्राम हींग और 3 ग्राम अनंतमूल का चूर्ण मिलाकर पानी के साथ खाने से हर तरह की उल्टी बंद होती है। 1 ग्राम हींग, 5 ग्राम बहेड़े का छिलका और 4 लौंग को एक साथ पीसकर 1 कप पानी में मिलाकर पीने से उल्टी रुक जाती है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी को पहले करके देखें, उसके बाद अगर आपको हमारा ये तरीका पसंद आए तो हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को व अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। hashmi.com चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आप hashmi.com की हेल्थ संबंधी जानकारियों की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ।